हेलो एस्पिरेंट्स, सो इन टुडेज क्लास वी विल डील विथ थ्री डिफरेंट टॉपिक रिलेटेड टू इंडस्ट्री. ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक विल बी इन टुडेज क्लास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन छत्तीसगढ़. सेकंड टॉपिक विल बी इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया एंड थर्ड टॉपिक विल बी मेजर इंडस्ट्रियल पार्क. ठीक है, ये तीन टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट करेंगे. चलिए, बिफोर स्टार्टिंग द क्लास लेट डील विद अ वर्ड चैंपियन. चैंपियन गाइस, एक अच्छा कोट यहाँ मैंने लिख रखा है, इसको एक बार आप पढ़ने की कोशिश कीजिए तो आपको बड़ा समझ आएगी चीज़ें. चैंपियंस आर द वंस हु गेट आउट देयर एंड ट्राई हार्डर द नेक्स्ट टाइम एंड सो ऑन अंटिल सक्सेस टचेस देयर फीट. ठीक है, आपको समझ आ रहा है कि चैंपियन उसको कहते हैं जो बार बार ट्राई करता है, जब तक ट्राई करता है जब तक सक्सेस वो पा नहीं जाता. ये इसका मतलब है, आपको चैंपियन बनना है तो यू हैव टू ट्राई हार्डर एंड हार्डर टू अचीव योर गोल और सक्सेस. याद है एक थ्री इडियट्स, आप सब लोगों ने मूवी देखी होगी, वेरी फेमस मूवी थ्री इडियट. उसमें एक डायलॉग था ना, मेहनत करो मेहनत, कामयाबी तो साली झक मार के आपके पास आएगी. तो बस यही है, चैंपियन बनने के लिए आपको बस मेहनत करते रहना है और कामयाबी तो आपके पास आएगी ही आएगी. चलिए, लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ फर्दर. चलिए गाइस, तो हम लोग सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन छत्तीसगढ़. ये लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन छत्तीसगढ़. तो देखिए, इसको हम लोग दो भाग में पढ़ सकते, वी विल स्टडी दिस इन टू पार्ट्स. ठीक है, दैट इज बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आई हुई है. ठीक है, छत्तीसगढ़ में, और कब कब लगी है, ये सारे डेट्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ लगी है ये इंपॉर्टेंट है. तो सारी चीज़ें क्वेश्चन में पूछता है. ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा समझने का नहीं है, इसमें चीज़ें आपको याद रखनी है बार बार रिविजन करके, और नोट्स प्रिपेयर्ड होना चाहिए आप लोगों का. ठीक है, चलिए गाइस, फर्स्ट, और ये सारी चीज़ें हमने जब हम लोग डिस्ट्रिक्ट्स पढ़ रहे थे अलग अलग, तो वो सब चीज़ें हमने पढ़ रखी है, वी आर जस्ट कंसोलिडेटिंग हियर. ठीक है, अब ये समझिएगा. चलिए, फर्स्ट हम लोग का टॉपिक है बिफोर इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस, तो सबसे पहले बिफोर इंडिपेंडेंस इन 1892 देयर एस्टेब्लिश्ड अ सीपी मिल. काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ रखा है इसके बारे में, जिसको सेंट्रल प्रोविंस, सीपी का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोविंस. छत्तीसगढ़ और जो मध्य प्रदेश का इलाका था, नागपुर इसका हेड था, ये जो पूरा इलाका था उसको सेंट्रल प्रोविंस बोला जाता था तब. ठीक है, तो सीपी मिल इसका नाम था, ये 1892 में एस्टेब्लिश हुआ था. फर्दर जो नेम है उसका चेंज हुआ था, इट वॉज सोल्ड आउट एंड द नेम वॉज चेंज टू बी एन सी मिल इन 1897. ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं दिस मिल, बी एन सी मिल पूछे या सीपी मिल, इट इज, इसको लिख लीजिए, स्टेट्स फर्स्ट एंड ओनली, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहला भी है एंड ओनली ऑल्सो. ठीक है, कॉटन मिल टिल डेट, अभी तक इसके बाद कोई मिल नहीं लगा है छत्तीसगढ़ में कॉटन का. ठीक है, तो ये पहला मिल था सीपी मिल, ये इसी का नाम चेंज हुआ बी एन सी मिल, ये स्टेट का पहला एंड ओनली मिल है कॉटन से रिलेटेड. ठीक है, चलिए फर्दर, सेकेंड टॉपिक, सेकेंड वन ये पहला हो गया. ठीक है, दूसरा, इन 1935 दे आर एस्टेब्लिश्ड अ मोहन जूट मिल. ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे हुए हैं, चाहे व्यापम का एग्जाम हो या फिर CGPSC का एग्जाम हो. कॉटन मोहन जूट मिल कहाँ हुआ था, ये रायगढ़ में. ठीक है, रायगढ़ में, इट इज ऑल्सो स्टेट फर्स्ट एंड ओनली जूट मिल, स्टेट फर्स्ट एंड ओनली. तो आपको क्या याद रखना है, जूट मिल आपको पहले ये याद रखना है. सीपी मिल किससे रिलेटेड है, कॉटन से. ये कहाँ एस्टेब्लिश हुआ है, राजनांदगांव में. ठीक है, राजनांदगांव सेंट्रल प्रोविंस में. फर्दर इसका नाम चेंज कब क्या हुआ, बीएनसी मिल 1897 में हुआ. ठीक है, और ये फर्स्ट एंड ओनली कॉटन मिल है. 1935 में मोहन जूट मिल रायगढ़ में होता है, और ये भी स्टेट का फर्स्ट एंड ओनली जूट मिल है. ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं सेकेंड, आफ्टर इंडिपेंडेंस. आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया कौन कौन से आते हैं. ठीक है, चलिए, सबसे पहला आता है आपका सबसे फेमस, दैट इज 1955 इन द सेकेंड फाइव ईयर प्लान दैट वॉज मेड मालवनीस मॉडल जो था उसके तहत, दैट लार्ज इंडस्ट्रीज में इंडिया वॉज फोकसिंग ऑन लार्ज इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन हैवी इंडस्ट्रीज में फोकस करा था. तो ये प्लांट आपका एस्टेब्लिश हुआ था, दैट इज कॉल्ड BSP, भिलाई स्टील प्लांट. भिलाई स्टील प्लांट, ठीक है. अब फर्दर सेकेंड होता है आपका 1965 में, अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबसे बड़ा एशिया का मैंने बताया था आपको, क्या, सीमेंट फैक्ट्री ACC जामुल. ठीक है, इट इज ऑल्सो फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री ऑफ स्टेट, सीमेंट फैक्ट्री ऑफ स्टेट. ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेट का सबसे फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री, ये सब पूछा जाता है क्वेश्चन, जितनी चीज़ें आप लिख रहे हैं ना. इन अगेन इन 1965 एक और
चालू हुआ वो है बालको, बालको दैट इज सिचुएटेड एट कोरबा। बालको का फुल फॉर्म क्या है, भारत एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिख लीजिएगा, ठीक है, भारत एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिख देता हूं मैं, चलिए भारत एल्युमिनियम कॉरपोरेशन, ठीक है लिख लीजिएगा। फोर्थ फ्रॉम 1965 के बाद फिर 1966 में आप कभी रायपुर विजिट करेंगे तो आपको एक कॉलोनी मिलती है WRS कॉलोनी, इसका आधे लोगों को रायपुर में ही नाम नहीं पता होगा फुल फॉर्म क्या है, तो WRS का फुल फॉर्म जो है वो है वेगन रिपेयर शॉप, वेगन रिपेयर शॉप। आप देखे होंगे उधर जाएंगे तो बड़े बड़े जमीन खाली पड़े हुए, लोग क्रिकेट खेलते हैं, काफी चीजें हैं WRS कॉलोनी में, तो यहाँ एक्चुअली ये रेलवे की जगह है पूरी की पूरी, और ये रेलवे का पूरा वेगन बनाने की जगह है। वेगन क्या होता है, डब्बा, डब्बा डब्बा रिपेयर होता है, यहाँ पे बनता नहीं, डब्बा रिपेयर होता है, वेगन रिपेयर शॉप है, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे है WRS, और ये कहाँ पे रायपुर में है, ठीक है। फर्दर आफ्टर दैट इन 1968 NMDC खुला, NMDC कहाँ खुला, किरांदुल, फर्स्ट NMDC सबसे पहली खुदाई यहीं चालू हुई ना, माइनिंग इन छत्तीसगढ़, किरांदुल। इसका NMDC का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है कॉरपोरेशन। फर्दर गाइस दिस इज फर्स्ट NMDC ऑफ स्टेट, ये लिख लीजिएगा, ये NMDC काफी जगह है ना, तो पहला NMDC कहाँ है, तो NMDC फर्स्ट NMDC किरांदुल दंतेवाड़ा में, किरांदुल कहाँ है, दंतेवाड़ा, ठीक है, किरांदुल दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा कहाँ है और बस्तर डिवीजन में है, ठीक है। उसके बाद हमने, मैंने पहले ही बताया, इसको भी लिख लीजिए आप, नोट्स पे प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। किरांदुल वॉज फर्स्ट माइन टू बी माइंड इन छत्तीसगढ़, टू बी माइंड इन छत्तीसगढ़, ठीक है, फर्स्ट अगर के इंपॉर्टेंट है। फर्दर अब 10 साल आगे बढ़ते हैं हम लोग सीधा 1968 से 1978 में, वी हैव NTPC, NTPC क्या है, कहाँ है पहला NTPC, कोरबा में, जमुनी पाल। तीन NTPC है, मैंने बताया था आप लोगों को, कोरबा रायगढ़ मिलके, अभी हम लोग सब आखिर में एक साथ देखेंगे भी, ठीक है। NTPC जमुनी पाल दैट इज फर्स्ट NTPC ऑफ स्टेट, NTPC ऑफ स्टेट, ठीक है। अच्छा 1978 में एक और चीज यहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी, भिलाई में एस्टेब्लिश हुई थी 1978 में, दैट वॉज रिफैक्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, रिफैक्ट्रीज लिमिटेड इन भिलाई। फर्दर सेवेंथ वी कैन राइट 1979 फेरो स्क्रैप कॉरपोरेशन, फेरो स्क्रैप, देखिए लॉजिक है, फेरो स्क्रैप क्या होता है, जो आयरन से निकला हुआ स्क्रैप है, तो आयरन कहाँ बन रहा था उस टाइम 1970s में, आप देखेंगे तो एक ही प्लांट उस टाइम एस्टेब्लिश था छत्तीसगढ़ में, बड़ा प्लांट, दैट वॉज BSP, और BSP कहाँ एस्टेब्लिश था आपका, भिलाई में। तो यहाँ पे क्या लगा 1979 में फेरो स्क्रैप कॉरपोरेशन बना, ठीक है, कहाँ बना, भिलाई में। फर्दर 1980 में दूसरा NMDC खुलता है, पहला NMDC वी हैव रिलेटेड किरांदुल दंतेवाड़ा, देन सेकंड NMDC वहीं आगे थोड़ा निकलेंगे तो बचेली में बनाएंगे, बचेली, ठीक है, बचेली, ठीक। फर्दर नाइन्थ वी कैन राइट इन 1987 में SECL का कॉरपोरेशन, SECL बनता है, SECL कोल, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, ये कहाँ बनता है, बिलासपुर में इसका हेडक्वार्टर स्टेब्लिश होता है, और सब हेडक्वार्टर कहाँ, विश्रामपुर सूरजपुर में इसका, ठीक है, SECL साउथ ईस्ट कोल फील्ड लिमिटेड, लिमिटेड हेडक्वार्टर एट बिलासपुर हेडक्वार्टर है। फर्दर सब हेडक्वार्टर भी लिख लीजिए, पूछ देता है कभी कभी, बलरामपुर में, सॉरी विश्रामपुर में है, विश्रामपुर, और विश्रामपुर कहाँ पे है ब्लॉक, दैट इज सिचुएटेड एट सूरजपुर, ठीक है, सूरज, मैंने सूरजपुर जब पढ़ा रहा था तो मैं आपको बताया था कि SECL का सब हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड हियर। फर्दर द थर्ड NMDC ऑफ छत्तीसगढ़ वॉज स्टेब्लिश्ड इन 1987 में थर्ड NMDC स्टेब्लिश होता है कहाँ, बेलाडीला। तो तीन NMDC हम लोगों ने पढ़े, तीनों NMDC कहाँ पढ़े, नीचे ही पढ़े हमने, पहला हमने किरांदुल पढ़ा दंतेवाड़ा में, सेकंड वी हैव रेड एट बचेली इन 19, बचेली में कब पढ़ा हमने, 1968 में हमने कहाँ पढ़ा, किरांदुल में, उसी के बाद फिर 12 साल बाद बचेली में 1980 में, और फिर 7 साल बाद NMDC और एक खुलता है, वो है NMDC बेलाडीला, बेलाडीला के हिल्स पे, ठीक है। फर्दर इन 1988 वन ईयर आफ्टर ओपनिंग ऑफ NMDC बेलाडीला दे आर एस्टेब्लिश अ JSPL अ प्राइवेट कंपनी जिंदल पावर
जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, ठीक है, JSPL, सबसे बड़ी स्पंज आयरन की फैक्ट्री है पूरे एशिया में, ठीक है, तो ये भी लिख लीजिए, लार्जेस्ट स्पंज आयरन प्लांट ऑफ एशिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, JSPL, ठीक है। फर्दर द लास्ट वन यू कैन से, ये भी एक प्राइवेट ग्रुप है, दैट इज मोनेट ग्रुप, मोनेट ग्रुप, मोनेट, आप कभी रायपुर के एयरपोर्ट जाएंगे तो आपको दिखेगा मोनेट ग्रुप का लोगो, दे वो मोनेट ग्रुप वहां पे इनको चलाता है, मतलब जो प्राइवेटाइज किया गया है ना छत्तीसगढ़ में वो सब चीजों से, पावर लिमिटेड रायगढ़, ठीक है। फर्दर वी हैव कंप्लीटेड ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग द मेजर फैक्ट्रीज बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये सारी फैक्ट्री विथ डेट और उसके इंपॉर्टेंस के साथ हमने लिख लिया कि कौन सा फर्स्ट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फर्दर आप लोग ये भी लिख सकते हैं आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, देखिए तीन, अब ये मैंने 2000 तक बता दिया, छत्तीसगढ़ बनने तक का था, ठीक है, अब आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ स्टेट भी देखिए, पहले बिफोर इंडिपेंडेंस देखे, आफ्टर इंडिपेंडेंस देखे, अब यहां तक 2000 तक जो मोनेट स्टील खुला है यहां तक इट वॉज MP, अब तो भले छत्तीसगढ़ में आ गए, अब छत्तीसगढ़ में बनने के बाद क्या क्या खुला, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ ऑफ CG स्टेट, ठीक है। यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ नहीं है, तीन ही चीजें पढ़नी है, यहाँ पे आपको एक NTPC सीपत, NTPC लारा, NTPC बस्तर, NMDC बस्तर, चौथा NMDC आता है और दो NTPC नए एक कोरबा के छोड़ और इस्टेब्लिश होते हैं, तो एक लिख लीजिए आप, पहला 2002 NTPC सीपत, कहाँ सीपत कहाँ है, बिलासपुर, ठीक है। फर्दर सेकेंड इस्टेब्लिशमेंट वॉज इन 2013, ठीक है, वो क्या था, NTPC लारा, ठीक है, अच्छा ये आप लिख सकते हैं जो लारा है वो कहाँ पे है, NTPC लारा रायगढ़ में है, पुसोर में, इट इज सेकेंड लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट, यहां सिचुएटेड है पुसोर रायगढ़ में, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट ऑफ कंट्री, NTPC लारा आपका 2013 में खुलता है, पुसोर में आपका सेकेंड लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, ये भी आप 2013 का ही बात है, ये भी तो आप दोनों चीजें लिख लीजिए। फर्दर थर्ड वी कैन सी इन 2018 द फोर्थ NMDC जो कि बस्तर में खुलता है, तो अब ये NMDC चार हो गए, तीन हम लोगों ने NTPC पढ़ लिए, पहला NTPC कहाँ था, कोरबा में, फिर दूसरा सीपत में, तीसरा लारा में, फर्दर हम लोगों ने चार NMDC पढ़े, पहले कोरबा में, फिर बचेली में, सॉरी पहले करकिरांदुल में 1968 में, फिर 1980 में बचेली में, उसके बाद फिर 87 में वी हैव रेड एट बेलाडीला, और उसके बाद हम लोग 2018 में कहाँ पढ़ रहे हैं, बस्तर में, ठीक है। तो वी हैव रेड एवरीथिंग अबाउट द इंडस्ट्रीज बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट, सो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत होते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ कहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है छत्तीसगढ़ में, मैंने हर जब जो डिस्ट्रिक्ट पढ़ाया है तो मैंने हर जगह आपको बताया क्या था, इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ कहाँ पे है, मैंने सब जगह लिखाया है हर डिस्ट्रिक्ट में स्पेसिफिक, तो यहाँ पे एक साथ हम देख लेते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग ऊपर से चालू करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद कोरिया, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, यहाँ पहला आपका है परानगरही, ये आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है। फर्दर इन सूरजपुर हमारे पास दो है, दैट इज नारायणपुर एंड गिरिवरगंज, गिरिवरगंज, नारायणपुर एंड गिरिवरगंज, आप लोगों को पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे सरगुजा में दो है अलग अलग, दैट इज गंगापुर एंड खुरुद, यहाँ मैं लिख देता हूँ, चलिए गंगापुर एंड खुर्द, ठीक है। फर्दर गंगापुर खुर्द, ठीक है। अब हम लोग जसपुर में देखें तो जसपुर में भी है बानगांव, ठीक। चलिए हमने क्या कंप्लीट कर लिया, द डिवीजन ऑफ क्या, सरगुजा हमने कंप्लीट कर लिया। फिर गौरेला पेंड्रा मरवाही में वी हैव अ प्लेस कॉल अंजनी, ये यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है। फर्दर इन कोरबा, सॉरी रायगढ़ में हमने क्या पढ़ा, NTPC लारा, तो लारा का एक जगह है आपको पता होना चाहिए। फर्दर द सेकेंड वन इज सियापाली एंड महुआपाली, ठीक है, ये भी पता रहना चाहिए, महुआपाली। फिर जांजगीर चांपा में कपान, ठीक है। बिलासपुर में काफ़ी सारे हैं, मैं यहाँ एक साथ लिख देता हूँ बिलासपुर के, ठीक है। बिलासपुर में क्या क्या देख लिए, मैंने लिखाया था बेल गहना, देन वी हैव तिफरा,
देन वी हैव सिरगिट्टी, देन वी हैव सिलपारी, डागोरी और सेलार. सिलपारी, डागोरी एंड सेलार, ये सारे जो जगह हैं ये सारे बिलासपुर में हैं. ठीक है, देन यहाँ पे आपका खामहरिया कहाँ, मुंगेली में. फिर आपका कबीरधाम में हरिन छपरा, हरिन छपरा. दुर्ग में बुरई, बिलाई से आगे जाते हैं तो आपको बुरई गेट पड़ता है ना, बीएसपी का एक बुरई. फिर बलौदा बाजार में ओरेठी यह ओरेठी इन बलौदा बाजार. फर्दर यहाँ आपका महासमुंद में बिरकोनी, ठीक है. फिर आपका गरियाबंद में बेल टुकरी, ठीक है. फिर रायपुर में मैं आपको बताता हूँ एक साथ, क्योंकि काफ़ी सारे हैं. फिर हम लोग के पास धमतरी में दो जगह मिलता है आपको. फर्स्ट मिलेगा आपको श्याम तुरई और जी जामगांव इम्पोर्टेंट है, कभी पूछ देता है, ठीक है. फर्दर इन कांकेर भी है लखनपुरी. तो ठीक है, ये हमने देख लिए सारे के सारे. अब रायपुर से हम लोग अलग से लिख लेते हैं. रायपुर से क्या क्या है देखिए, रायपुर से आपको पता होगा क्या क्या है. उरला, फिर जब बिलासपुर रोड में आप जाएंगे तो भनपुरी, देन वी हैव रावाभाटा, सिलतरा, फिर तिलदा. सारे के सारे आप जो रायपुर बिलासपुर एरिया जाते हैं रायपुर से आप, तो ये आपका रावाभाटा, सिलतरा, भनपुरी, उरला, ये सारी चीज़ें आपको पड़ती हैं पूरे इंडस्ट्रियल इलाका. फिर भी है बरतोरी और आखिरी आमासियोनी. ठीक है, तो आप गाइस देख सकते हैं ये सारे रायपुर से हैं, ये सारे बिलासपुर से हैं, ठीक है. और जितने लिखे हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में मैंने लिख दिए हैं, ठीक है. अच्छा, एक और हमारे पास दंतेवाड़ा से बच गया होगा, टेकेनार. ठीक है, सो आई हैव कम्प्लीटेड ऑल द जितने भी जगह हैं सारे हैव कम्प्लीटेड हियर. ठीक है गाइस, तो यहाँ पे अभी और कुछ बचा नहीं है. अब देखिए राजनांदगांव और ये सब जगह आप देखेंगे, जहाँ इन जगहों पे आपको अलग अलग फूड पार्क मिलेंगे. ठीक है, हम फूड पार्क अब कम चालू करेंगे, फूड पार्क पढ़ना. तो कहाँ कहाँ पे क्या क्या है आप देखते चलिए, क्वेश्चन क्या क्या पूछ देता है इन्हीं जगहों से, क्या क्या पूछ देता है देखिए क्वेश्चन. ठीक है, तो तीन जगह हम लोग देख लेते हैं, राजनांदगांव, दुर्ग और बिलासपुर देख लेते हैं. फिर फर्दर वी विल गो टूवर्ड्स मेजर इंडस्ट्रियल पार्क इन छत्तीसगढ़. तो राजनांदगांव फूड पार्क है यहाँ, कहाँ, टेढ़ेसरा. ठीक है, फूड प्रोसेसिंग सेंटर, ये सारे करंट अफेयर में थे, मैं इसलिए बता रहा हूँ सारे चीज़ें क्योंकि कभी भी पूछ सकता है. फूड प्रोसेसिंग पार्क, ये कहाँ है आपका राजनांदगांव में, कहाँ है, इंदवानी. आगे हम लोग सब लोग को मैप में देखेंगे, यहाँ लिख लीजिए पहले इंदवानी. फिर प्लास्टिक पार्क कहाँ है, प्लास्टिक पार्क खैर जीटी. ठीक है, एसीजेड एक बना है सोलार पैनल के लिए. ठीक है, फर्दर वी हैव किसान मॉल, ये कहाँ है, रायपुर में, एंड इट इज़ द फर्स्ट ऑफ छत्तीसगढ़, और महासमुंद में सेकेंड आ रहा है. ठीक है, फर्दर इन दुर्ग, हम दुर्ग में देखते हैं, इन दुर्ग वी हैव फर्स्ट इंजीनियरिंग पार्क. यहाँ कहाँ पे है, हथखोज अब एरिया है हथखोज इन भिलाई. यहाँ एस्टेब्लिश है इंजीनियरिंग पार्क. फर्दर इन वी हैव सॉफ्टवेयर पार्क, ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, भिलाई. फर्दर वी हैव टूल रूम लेथ, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा हुआ है, टूल रूम लेथ, ये कहाँ है, बुरई का एक इंडस्ट्रियल एरिया हमने देखा अभी भिलाई में, सॉरी दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में. तो ये यहीं है टूल रूम लेथ, यहीं है. ठीक है, फर्दर रायपुर में आप सबसे पहले देखिए भनपुरी में क्या है, अप्रैल पार्क. भनपुरी इज अ इंडस्ट्रियल एरिया इन रायपुर, तो यहाँ आपको क्या मिलता है, अप्रैल पार्क. फर्दर उरला एक जगह है, उरला रायपुर में, देयर वी आर हैविंग प्लास्टिक पार्क. फर्दर रावाभाटा है, रावाभाटा
देयर अ मेटल पार्क हैज बीन एस्टेब्लिश्ड मेटल पार्क. ये सारे क्वेश्चन में वन लाइनर क्वेश्चन है पूछ देता है. फिर वी हैव सिलतरा. ठीक है, सिलतरा से इंपॉर्टेंट क्या है. सिलतरा इट इज द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़. बिगेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़. इन सिलतरा वी हैव साइकिल कॉम्प्लेक्स. ठीक है, ऑल्सो इन सिलतरा वी हैव एग्रो एक्सपोर्ट जोन. एग्रो एक्सपोर्ट जोन डेवलप किया जा रहा है. एग्रो एक्सपोर्ट जोन, एक्सपोर्ट जेड ओ एन ई जोन. ठीक है, अब नया रायपुर में क्या क्या है हम लोग देख लेंगे. नया रायपुर, नवा रायपुर, इन न्यू रायपुर, नवा रायपुर जो बन रहा है, द न्यू कैपिटल जो छत्तीसगढ़ का है, देयर वी हैव आईटी पार्क. ठीक है, आईटी पार्क वहाँ एस्टेब्लिश किया जा रहा है. लॉजिस्टिक पार्क देयर वी आर एस्टेब्लिशिंग लॉजिस्टिक पार्क. ठीक है, इसके बाद ईएमएफ पार्क देयर एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है. फिर जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क. ठीक है, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क. ठीक है, फिर मुंगी ग्राम में, एक मुंगी ग्राम में आपका एक इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है, वो है क्या, बायोटेक्नोलॉजी पार्क. मुंगी ग्राम देयर अ बायो टेक्नोलॉजी पार्क इज एस्टेब्लिश्ड. ठीक है, फर्दर गाइज लेट्स डील विथ द नेक्स्ट टॉपिक जो कि होगा आपका मेजर इंडस्ट्रियल पार्क इन छत्तीसगढ़. अब देखिए उसके लिए मैप बनाना पड़ेगा मेरे को. अभी मैंने ये सब लिखवाया है यहाँ पे. अब मेजर इंडस्ट्रियल पार्क आप एक बार और देखिए, ये सारे चीज़ें जो मैंने लिखवाया है ये इंपॉर्टेंट थे करके मैंने अलग से लिखाया है, राजनांदगांव दुर्ग से और इससे रिलेटेड रायपुर से. ठीक है, फर्दर यही चीज़ हम लोग को फिर से देखनी है मैप में. लेट्स ड्रॉ द मैप ऑफ छत्तीसगढ़. दो मिनट लगेगा इसमें. ठीक है, चलिए मैं बना देता हूँ मैप. आई एम मेकिंग अ रफ मैप ऑफ छत्तीसगढ़. ठीक है, जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि आपको समझ आना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का मैप है. बस मैं इसलिए बना रहा हूँ, कोई यहाँ पे स्केल्ड नहीं है. ठीक है, चलिए, दिस इज समहाउ लुकिंग लाइक छत्तीसगढ़. चलिए, ठीक है, एक बलूदा बाजार, देन वी हैव रायपुर, देन वी हैव धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, सारंगढ़, बिलाईगढ़, देन वी हैव मुंगेली, फिर यहाँ से वी कैन मेक इट कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति, एंड हियर वी हैव सूरज, जस्टरपुर, सूरजपुर बना लेते हैं. देखिए वी हैव कंप्लीटेड द मैप ऑफ छत्तीसगढ़. चलिए इसमें हम लोग अब देखते हैं क्या डिफरेंट. चलिए तो ये क्या मैं यहाँ पे बता रहा था आपको, मेजर इंडस्ट्रियल पार्क ऑफ छत्तीसगढ़. ठीक है, पार्क ऑफ छत्तीसगढ़, ये अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है. सबसे पहले हम लोग ऊपर से चालू करते हैं, सरगुजा डिवीजन से. तो सरगुजा में आपको बायोटेक्नोलॉजी पार्क मिलता है अंबिकापुर में. ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं बायो टेक्नोलॉजी पार्क एट अंबिकापुर. ठीक है, कहाँ पे, अंबिकापुर. फर्दर वी हैव स्नेक पार्क. कहाँ पे है, जसपुर में आता है, सॉरी ये यहाँ तपकरा में आता है, जसपुर डिस्ट्रिक्ट में तपकरा जो है वहाँ पे आपका स्नेक पार्क. मैक्सिमम स्नेक भी यहीं पाया जाता है. फर्दर हम लोग के पास कोरबा में एल्यूमिनियम पार्क है, एल्यूमिनियम पार्क डोगरा विलेज में, एल्यूमिनियम पार्क एट डोगरा विलेज. कहाँ है हमारे पास, डोडरा विलेज. ठीक है, फर्दर हमारे पास ट्रैफिक पार्क कहाँ है, बिलासपुर में भी बना है ट्रैफिक पार्क हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एट बिलासपुर. बिलासपुर में ट्रैफिक पार्क पता होना चाहिए, क्वेश्चन ने पूछ दिया तो यू शुड बी नॉट लाइक कि हमको तो पता ही नहीं है. इन देखिए दुर्ग भिलाई में मैंने आपको बताया, दुर्ग में क्या बताया, बुराई में सॉफ्टवेयर पार्क, यहाँ मैं लिख दिया आप देख लीजिएगा. ठीक है, ये कहाँ लिखा है दुर्ग में, हाँ ये सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ, भिलाई में मैंने बताया आप लोगों को, और इंजीनियरिंग पार्क आपको हमने हथखोज में बताया. ये दो चीज़ें आप यहाँ लिख लीजिएगा. बुराई में फूड पार्क बताया मैंने, तो यहाँ पे आप अपना सॉफ्टवेयर, दुर्ग में सॉफ्टवेयर पार्क, इंजीनियरिंग पार्क, ठीक है, और आप यहाँ क्या फूड पार्क, ये बुराई में है आप ये लिख लीजिएगा, मैंने ऊपर इसीलिए लिखा दिया है. ठीक है, इसके इंजीनियरिंग पार्क आपका आपका हो गया हथखोज में, और सॉफ्टवेयर पार्क जो आपका है भिलाई में. ठीक है, आप तो ये तीनों चीज़ों को यहाँ लिख लीजिए. फर्दर राजनांदगांव में क्या क्या चीज़ें हैं देख लीजिए. चलिए फूड प्रोसेसिंग, राजनांदगांव में फूड प्रोसेसिंग दिखाया आपको, इंदवानी पे फूड पार्क आपका, टेडेसरा पे,
और आपका प्लास्टिक पार्क खैरजेटी पे, यह मैंने लिखा दिया यहाँ पे ऊपर में आपके पास देखिएगा, देखिए इसीलिए फूड पार्क टेडेसरा, फूड प्रोसेसिंग पार्क इंदवानी, प्लास्टिक पार्क खैरजेटी, एसईजेड सोलार पैनल के लिए फर्स्ट ये रायपुर लिख दिया गया, राजनांदगांव आएगा यहाँ, ठीक है। किसान मॉल राजनांदगांव फर्स्ट यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ, सेकंड महासमुंद में स्टैब्लिश होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कहाँ से कहाँ लिख लेंगे, ये आपका राजनांदगांव में, ठीक है, ऊपर जितने लिखी हैं वो सारी चीज़ें। फर्दर रायपुर में भी मैंने पूरा आपको लिखा दिया, रायपुर में भी देखिए ये रायपुर है आपका, रायपुर में मैंने क्या क्या लिखाया है देखिए आप, सिलतरा, भनपुरी, ये सब लिखा है। देखिए भनपुरी में अप्रैल पार्क मैंने लिखा है आप लोगों को, ठीक है। उरला में प्लास्टिक पार्क, रावाभाटा में मेटल पार्क, सिलतरा में बिगेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ साइकिल कॉम्प्लेक्स, फर्दर एग्रो एक्सपोर्ट जोन भी है वहाँ पे, नया रायपुर में आईटी पार्क, लॉजिस्टिक पार्क, ईएमआई पार्क, ईएमएफ पार्क, ठीक है। और इसके बाद जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कहाँ लिखाई यहाँ। अच्छा, फर्दर आई हैव टोल्ड यू मुंगी ग्राम के बारे में, वहाँ बायोटेक्नोलॉजी पार्क एक स्टैब्लिश्ड हो रहा है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क पहला कहाँ स्टैब्लिश हुआ था आपका, यहाँ पे आपका अंबिकापुर में, सेकंड यहाँ पे अभी मुंगी ग्राम में हो रहा है। फर्दर नया रायपुर में भी क्या क्या है वो सारे मैंने बता दिया, ठीक है। फर्दर एक आपके एक यहाँ पे छूट रहा है बस, रायपुर में अलग से मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, यहाँ आपका छूट रहा होगा सरोरा में, सरोरा बेमटा में मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क, मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क, ठीक है, मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क, इट इज़ सेकेंड, ठीक है, सेकेंड इन नंबर है ये। पहला कहाँ है आप लोग कमेंट में बताएंगे, मैंने बता चुका हूँ ये चीज़, ठीक है। फर्दर गाइज धमतरी, इसके बाद हम लोग आप देख लेते हैं कहाँ, ये महासमुंद में और गरियाबंद, वहां आपको दोनों जगह स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एक आपको यहां कहां मिलता है, घोड़ारी, ठीक है, ये आपको मिलता है कहां, तो महासमुंद में, ठीक है। फर्दर यहां स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स आपको गरियाबंद में बेसिन में, ठीक है, बेसिन में, यहां भी आप लिखेगा स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये भी आपको बेसिन में, दोनों जगहों पे आपको स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स मिलता है। फर्दर इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ धमतरी वी हैव हर्बल पार्क एंड मेगा फूड पार्क, और पहला मेगा फूड पार्क मैंने बताया था आपको कहाँ एस्टेब्लिश हो रहा है, मेगा फूड पार्क बागोद, बागोद सबसे बड़ा फूड पार्क, ठीक है। तो आप यहाँ लिख लिए हर्बल पार्क, ये कहाँ है, बंजारी में हो रहा है, बंजारी, और बागोद में क्या हो रहा है, मेगा फूड पार्क, कहाँ हो रहा है, बागोद, ठीक है, बागोद। फर्दर फूड प्रोसेसिंग फूड पार्क एक आपका, चलिए यहाँ यहाँ पे आता आपका है एग्रो कॉम्प्लेक्स, एग्रो कॉम्प्लेक्स आपका स्टैब्लिश हो रहा है कोंडा गांव में, जहाँ जगदलपुर में, जगदलपुर में, ठीक है। अच्छा, और सुकमा में भी आपको पता होना चाहिए फर्स्ट साइंस पार्क कहाँ स्टैब्लिश हो रहा है, छत्तीसगढ़ का सुकमा में, ऑल्सो देयर इज अ फूड पार्क ऑल्सो स्टैब्लिश देयर, ठीक है। तो गाइज ये आपको इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट साइंस पार्क कहाँ स्टैब्लिश हो रहा है, क्वेश्चन पूछ देगा और आप तुक्का नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि सुकमा आपको दिमाग में आएगा नहीं कि साइंस पार्क सुकमा में, भिलाई और ये रायपुर में ही आप घूमते रह जाएंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फर्दर आपको आखिरी पॉइंट एक और है कि जो आपका ज्वेल्स एंड जेमरी सॉरी जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क जो है इंडिया में, वो कहाँ एस्टेब्लिश, सबसे ज़्यादा चौथा सबसे बड़ा ज्वेल्स एंड जेमरी पार्क कहाँ पे है, ज्वेलरी पार्क, ये आपका पंडरी में है, ठीक है, पंडरी में, पंडरी, पंडरी क्या है, रायपुर में पड़ता है, बहुत बड़ा बाजार है पंडरी, फोर्थ नंबर का पूरे कंट्री में जेम्स एंड ज्वेलरी का मार्केट है ये, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए गाइस, सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द थ्री टॉपिक्स रिलेटेड टू इंडस्ट्री इन टुडेज क्लास। सो आई आप लोग को कहीं क्लासेस अच्छी लग रही होंगी तो डू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कुछ दिक्कत है कमेंट कीजिए, ठीक है।